हेलो जी। सो आज के वीडियो में ना मैं तुम लोगों को दिखाने वाली हूं इंडियन बाय डेमोडी गेम में इस चीज का यूज क्या है, इंटरनेट मोड नया कुछ तो आया अपडेट में, और मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूं इस शोरूम को एक्टिवेट कैसे करें जिधर पे ऑटोमेटिक गाड़ियां आ जाए और ये पौधे भी लग जाए। मैं हॉनेस्ट बताऊं, मैंने इसे रीडिजाइन नहीं किया, ये एक चीट कोड से होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सब बताता हूं मैं। पहले तो मैं तुम लोगों को थोड़ा गेम एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि कितने सारे सब्सक्राइबर जो मेरी शॉर्ट वीडियो देख के आते हैं उन लोग को ये गेम के बारे में नहीं पता होगा। तो बेसिकली इस गेम में काफी सारे अलग अलग चीट कोड हैं जो डाल के गेम में काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि इस गेम में ना मैं वो मंगा सकता हूं, स्कॉर्पियो भी मंगा सकता हूं, थार भी मंगा सकता हूं, और भी काफी सारी अलग अलग गाड़ियां मंगा सकता हूं। इस गेम में एक और खासियत है, सस्ता इंडियन जीटी गेम भी बोल सकते हैं इसे। तो आज की वीडियो में ना मैं ट्राई करने वाला हूं इसके कुछ सीक्रेट चीट कोड, और तुम लोगों को कुछ मिथ भी ट्राई करने वाला हूँ जो मुझे कमेंट में देते रहते हो तुम लोग, और जो तुम लोगों ने थंबनेल में देखा था ना शोरूम अपना, वो भी दिखाने वाला हूँ। होप्स मैं अच्छा बना लूँ। और हाँ, जो लोग नए देख रहे हैं ना, मैं उनको बता दूँ, इस गेम में तुम लोग मैप को रीडिजाइन भी कर सकते हो आरजीएस टूल की हेल्प से। अब ये आरजीएस टूल क्या है वो भी मैं तुम लोग को बताता हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। अब चलते हैं गेम पे। मुझे ना इस गेम के एक भी चीट कोड याद नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं प्ले स्टोर में जाऊंगा, वहां से सारे चीट कोड देखता हूँ। मुझे तो बस दो चार चीट कोड ही याद है, थार वगैरह के हो गया। तो यहाँ पे खड़ी है हमारी गाड़ी फॉर्च्यूनर, जिसका मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करता भाई, मैं इसे बेच दूंगा। कम से कम 4-5 हजार में तो बिकी जाएगी, कम बोल लिया शायद, 4-5 लाख में तो बिक जाएगी, हजार बोल रहा मैं। और मुझे ये वाली गाड़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि मैंने बहुत चला लिया इसे। तो मैं मंगाने वाला हूँ सबसे पहले तो स्कॉर्पियो। थार भी मैंने बहुत चलाया है, स्कॉर्पियो मेरी फेवरेट है। ये रही हमारी जो 333 डालने से आती है, और तुम लोग को पता है मैं इस गाड़ी का कलर भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, तो मैंने इसे ब्लैक कलर में कर देता हूँ। अरे कहाँ गया ऑप्शन। अच्छा, मुझे ड्राइवर साइड जाना पड़ेगा, इस साइड से नहीं होगा कलर चेंज। हमारा फोन बहुत स्मार्ट है, इससे कलर भी चेंज हो जाते हैं। ये देखो, अब ब्लैक में देखो कितनी प्यारी सी लग रही है। गाड़ी भागती भी है कि नहीं है भाई, देखो इसको वहां पे एयरपोर्ट में ले जाके भगाता हूँ रनवे पे। इस गेम में एक पुलिस स्टेशन भी है। वैसे मैंने काफी सारे अलग अलग वीडियोस डाल रखे हैं इस गेम के, तो पता ही होगा तुम लोग को। तो ये है मेरा रनवे, और इधर पे कोई स्पीड दिखने वाला नहीं दिखता यार, मीटर वीटर तो मेरे को पता नहीं चलेगा कैसे स्पीड है, पर वो मेरे को अंदाजा लगाने पड़ेगा कि स्पीड है कि नहीं है। तो काफी ज्यादा स्पीड है, मैं इस पे ब्रेक मारता हूँ, देखना कैसे स्लिप करेगी। नहीं कि भाई, मेरे को लगा पलट पलट जाएगी, नहीं पलटी, अच्छा कंट्रोल है इस पे। अब ना मैं तुम लोग को अलग अलग चीट कोड दिखाता हूँ। मुझे प्ले स्टोर में जाके पहले दूसरा चीट कोड देखना पड़ेगा। तो मैं ना इधर पे एक मून ग्रेविटी लगा सकता हूँ, चीट कोड क्या था, 7112। इससे मून ग्रेविटी लग जाएगा, ये तो मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया। 7112 मून ग्रेविटी एक्टिवेटेड। तो क्या होगा, मैं अगर ऐसे चलूंगा तो क्या मैं आसमान में उड़ने लगूंगा, नहीं तो उड़ रहा बड़े भाई। ये मून ग्रेविटी लगा है कि नहीं लगा, उधर पे एक्टिवेट तो लिखा हुआ था। गाड़ी को फुल स्पीड में ले जाके देखता हूँ, हवा में उड़ेगी तो मून ग्रेविटी लग गया होगा। अरे गाड़ी कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो गया। वेट, मैं देखो यहाँ पे पूरा बटन दबा के रखा हूँ, ये बहुत देर में मुड़ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है। मून ग्रेविटी लगाओ ना लगाओ, मुझे थोड़ी ना पता है मून ग्रेविटी कैसे कैसे होता है, मैं थोड़ी ना गया हूँ मून में। मेरा कैरेक्टर उड़ गया भाई, वो भी उल्टा आ रहा है, लेकिन मरा नहीं हमारा भाई। अच्छा हाँ, मून ग्रेविटी लगाया ना तो भी इतना टाइम लगा उसको नीचे आने में, और मरा भी नहीं। देखो डैमेज एकदम हल्का सा हुआ है, अगर मून ग्रेविटी नहीं लगा होता तो पूरा मर जाता मेरा कैरेक्टर शायद। पर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा मेरा गाड़ी इधर से आर पार कैसे हुआ, मून ग्रेविटी में ऐसा भी होता है क्या। अब इसको डीएक्टिवेट कैसे करूं मुझे ये नहीं पता, तो मैं इस पे 10-50 चीट कोड अप्लाई कर दूंगा, देखता हूं गेम मेरा फटके लैग होगा कि नहीं होगा। वैसे तो मेरे इस फोन में बिना चीट कोड डाले इतना लैग होता है, चीट कोड डालूंगा तो मेरे फोन का क्या ही हालत होगा। तो दूसरा चीट कोड है हमारा 112, जिससे स्लोमो होता है, ठीक है भाई, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। 112 स्लो मोशन एक्टिवेटेड लेवल 1। अच्छा इसमें भी लेवल लेवल है क्या, ये तो पता ही ना हमको बड़े भाई। हाँ यार स्लोमो तो हो गया, पर इसका यूज क्या है। अब इसको डीएक्टिवेट करो यार, ये वाला मेरे को नहीं चाहिए, शायद मैं वापस से वही वाला चीट कोड डालूं तो डीएक्टिवेट हो जाए। चीट कोड लेवल 2 हो गया, अरे मेरे को डीएक्टिवेट करना था, ये लेवल 2 हो गया। तो मेरे को इसको डीएक्टिवेट करने के लिए एक ही ऑप्शन है, गेम को वापस से बैक कर दो, सिंपल। अगला चीट कोड है 1120, जिससे स्काई फॉल, इसका मतलब क्या है, स्काई फॉल मतलब क्या होता है, रुको अब भी ट्राई करते बड़े भाई। 11 क्या था, 1112 स्लो मोशन लेवल, अरे स्लो मोशन वाला डाल दिया क्या मैंने, अरे स्लो मोशन डाल दिया फिर से, सॉरी स्काई फॉल का डालना था। 1120, ये क्या हुआ, मेरा करेक्टर आसमान से आ गया डायरेक्ट। हाँ ये वाला चीट कोड मेरे को याद आ गया, स्काई फॉल इसको बोलते हैं, मेरे को ये नहीं पता था, पर ये वाला चीट कोड मेरे को पता है। तुम लोगों ने काफी बार मेरे को ऐसे कमेंट में देके ट्राई करवाया था, जिससे मेरा करेक्टर आसमान से गिर जाता था, पर अभी मरेगा नहीं, स्लोमो लगाया है। वैसे क्या तुम लोग को ये पता है कि हम इस गेम में ना जेसीबी भी मंगा सकते हैं भाई। इस गेम का नेम ही है इंडियन बाइक डैम थ्री गेम, सारी इंडियन चीजें कर सकते हैं, स्कॉर्पियो से लेके थार, यार मैं हर चीज छोड़ के स्कॉर्पियो धार पे क्यों आ जाता हूँ। तो अभी ना मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जेसीबी से रिलेटेड एक मिथ मिला था, 4000 डालकर उसके ऊपर जेसीबी स्पॉन करो और दोनों एक साथ बैठोगे, देखो मैजिक। अच्छा भैया ये चीज तो मैंने काफी बार ट्राई की है, दोनों गाड़ी को साथ में स्पॉन करो फिर तुम दोनों में बैठ सकते हो, पर ये जेसीबी वाला ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो ये करते हैं।
तो JCB का कोड देखने के लिए मुझे जाना पड़ेगा यार प्ले स्टोर पे, रिटेन बाय डैमेज्ड गेम। वैसे जिसे चीट कोड नहीं पता ना, प्ले स्टोर में जाना और ये व्हाट्स न्यू पे क्लिक करना, यहाँ पे तुम लोग को सारे के सारे चीट कोड मिल जाएंगे। जैसे कि रिक्सा अपडेट आ गया क्या गेम में? 8370 रिक्सा का चीट कोड है, JCB का है 6677 और मुझे 4000 डाल के करना है। तो पहले तो मैं अपना वाईफाई ऑफ कर देता हूँ बिकॉज एड बहुत आते हैं। फिर तो सबसे पहले तो चलते हैं अपने घर के बाहर और इधर पे मंगाता हूँ 6677। ये रही हमारी JCB और अब मुझे मंगाना था 4000 डाल के, कुछ भी आएगा 4000 से आई थिंक कार आएगी कोई। ये आ गई पोर्शे आई है और ये तो इसी के अंदर कुछ भी भाई। तो अभी मैं JCB को कंट्रोल कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे गाड़ी कंट्रोल और JCB दोनों के ऑप्शन आ रहे हैं। गाड़ी पे बैठने का भी ऑप्शन दिख रहा है पर मैं अभी JCB में बैठा हूँ। रुक, कहाँ लेके जा रहा हूँ JCB, मुझे कुछ थोड़ी ना खुदाई करनी है। अरे रुक जा भाई, एक कंगी हो गई है तो मैं ये ऊपर वाला कंटेनर उठा के ट्राई करता हूँ। अरे रुक जा भाई, ये ऑटोमेटिक चल रहा है, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा। देखो मेरे दोनों हाथ यहाँ पे हैं। अच्छा रुक गया, मैं बड़बड़ बहुत करता हूँ। ये ऊपर कैसे होता है? हाँ ऐसे होगा, ये नीचे ऐसे, नीचे ऐसे ऊपर। भाई ऊपर करने बस से ये हो गया और मून ग्रेविटी लगा है क्या मेरे गेम में? अभी भी इतना स्लोली आ रहा है, ये तो बढ़िया मिटता भाई। मैंने कुछ नया देख लिया इस गेम में। भाई देखो अभी गेम में अपडेट आ गया तो मैं अपडेट कर देता हूँ, मैंने अभी अपडेट भी नहीं किया था। अब अपडेट आ गया ना तो मेरे को ये वाला वीडियो थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ेगा, कल की जगह परसों डालना पड़ेगा। पहले मैं अपडेट वाली वीडियो डालूंगा 2 दिन बाद। तो आज मैं ऑलमोस्ट 2 दिन बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे कुछ नया चीज भी पता चल गया, जैसे कि RGS टूल में एक इंटरनेट वाला ऑप्शन है, तो उसका यूज क्या है। वैसे मुझे तो अभी तक बस एक ही चीज पता है, अगर तुम लोग उससे रिलेटेड पता हो ना तो कमेंट में जरूर बताना। बाय द वे मैं तुम लोग को बताता हूँ, मेरे पास ना एक लिंक है जो कि मैं अगर उस इंटरनेट वाले ऑप्शन पे डालूंगा तो शोरूम में कुछ तो अजीब सा हो जाएगा या फिर वो शोरूम एक्टिवेट हो जाएगा, शोरूम की तरह लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं चलता हूँ गेम पे। वैसे अगर तुम लोग को गेम के अपडेट के बारे में नहीं पता ना क्या क्या आया है, क्या चीट कोड है, तो तुम लोग ये वाली वीडियो देख सकते हो, या मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। वैसे अब तक तो तुम लोगों ने काफी सारे अलग अलग क्रिएटर का वीडियो देख ही लिया होगा तो पता ही होगा तुम लोग को। तो ये रहा हमारा शोरूम, अभी देख लो अभी पूरा का पूरा नॉर्मल है, इधर पे कुछ भी नहीं है, ना गाड़ियां खड़ी है, ना पेड़ पौधे हैं, कुछ भी नहीं है इधर पे। पर अब जब मैं वो, अबे मेरे गाड़ी से उतरने का स्टाइल ही अलग है, पूरा लाल लाल कर दिया इसने। तो मुझे इधर पे जाना है, ये इंटरनेट वाले ऑप्शन पे जाना है और ये RGS मोड फाइल पे डाल देना है। डालना नहीं है मुझे, ये फाइल को पेस्ट कर देना है। तो अब मुझे डाल देना है RGS टूल पे PL, और मे भी अब ये हो जाएगा। नहीं हुआ, ये तो भारी समस्या यार, ये तो वर्क ही नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, इसे मैं सॉल्व करके रहूंगा। तो मुझे मेरी मिस्टेक पता चल गई है, तुम लोग को LD जाके RGS टूल पे डाल देना है। अगर ये चीज एक्टिव हो जाती है तो तुम लोग को साइड पे ऐसा दिखेगा फाइल लोडेड टाइप का, और फिर तुम लोग को जाना है शोरूम पे। और शोरूम में आने के बाद तुम लोग देखोगे पूरा शोरूम बदल चुका है, जैसे कि इधर पे मेरे पेड़ पौधे लग चुके हैं और अंदर गाड़ियां खड़ी हो चुकी हैं जिन्हें मैं बेच सकता हूँ या फिर चला सकता हूँ। बेचूंगा किसे यार, इधर पे NPCs तो आएंगे ही नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास है लैम्बोर्गिनी। भाई मैं लैम्बोर्गिनी कब से नहीं देखा, ये तो मेरे को मस्त लगती है। और इधर पे बाइक भी खड़ी है, ये वाली बाइक यूज कौन लोग करते हैं कमेंट में बताना जरा। तो हमारा शोरूम अब पूरा एक्टिवेट हो चुका है। बाय द वे अगर तुम लोग को स्कूल से रिलेटेड टाइप का गेम में इंटरेस्ट है ना तो तुम लोग ये वाला वीडियो जरूर देखना, और तुम लोग को इसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो, और वीडियो देखना हो तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। आ रहा होगा तुम लोग को, आ रहा है ना?